आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे रेल मार्ग को जाम कर सेना अभ्यर्थियों ने किया बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अग्निपथ योजना के विरोध में सभी विपक्षी पार्टियों ने किया 18 जून को बिहार बंद करने का ऐलान। और ईडी द्वारा की जा रही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों का सत्याग्रह जारी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना के विरोध में सेना अभ्यर्थियों ने मारीपुर ओवरब्रिज रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया, पुलिस ने की लाठीचार्ज। सेना अभ्यर्थियों ने एक बार फिर शुक्रवार को जिले में जमकर बवाल काटा। मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल मार्ग को जाम कर दिया। सैकड़ों छात्र हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पटरी पर बैठ गए, हल्ला हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर काजी मोहम्मदपुर और सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद छात्र शांत नहीं हुए। कुछ ही देर में एसएसपी जयंतकांत और टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान फोर्स के साथ पहुंचे। पहले अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार हुआ। पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। देखते ही देखते 5 मिनट के भीतर पटरी खाली हो गई। इस दौरान दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया, उन सभी को थाना ले जाया गया है। हालांकि इसी बीच उस रूट से एक भी ट्रेन नहीं गुजरी। उस समय ट्रेन के जाने या आने का समय नहीं था, करीब आधे घंटे के लिए जाम किया गया था। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह क्लियर है, अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की और मुजफ्फरपुर की कुछ जगहों पे इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन निकालने की कोशिश की है और उनको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। अभी 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं एहतियातन तौर पर और अगर हम लोग आगे का कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस मौजूद है और पूरे ट्रैक को ध्यान में रखा जा रहा है। अभी तक के किसी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष की सभी पार्टियों ने एकजुट होकर 18 जून को बिहार बंद करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सभी विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष की तरफ से 18 जून को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आज आईसा और आरवाईए के संयुक्त तत्वाधान में विरोध देशव्यापी है। विरोध मार्च निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए छाता चौक पहुंचा। इस दौरान माने नेता आफताब आलम ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब सैनिकों को सेवा पूरी नहीं होने के बाद कोई लाभ नहीं मिलेगा तो वह अपनी जिंदगी को क्यों निछावर करेंगे, उनके पास भी परिवार है। सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा का 4 साल समय दिया है। जब 4 साल का समय पूरा हो जाएगा तो उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी बल्कि एक मुश्त राशि दी जाएगी। उस राशि का आधा हिस्सा भी अग्निवीरों के सैलरी से काट कर जमा की जाएगी। जब सेना से नौजवान रिटायरमेंट हो जाएंगे तो वह फिर क्या करेंगे? सरकार पहले की तर्ज पर ही युवकों की सेना में बहाली करे और उन्हें पेंशन दे। हम लोगों की मांग है कि सरकार अग्निपथ स्कीम को वापस ले। 2 दिनों से पूरे देश के अंदर जो मोदी जी ने जो स्कीम लेके आए अग्निपथ योजना, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। इसलिए कि ये जो 4 साल की जो प्रक्रिया है, जो ठेका पर प्रक्रिया करने की, जो मोदी जी ने जो देश के साथ जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर आज हम लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। और ये चेताने के लिए कि अगर ये योजना को वापस नहीं लिया गया तो कल पूरा बिहार बंद रहेगा इसको लेकर। क्योंकि आज देखिएगा जो बच्चा 3 साल 4 साल से वो मेहनत कर रहा है, वो फिजिकल फिटनेस पास कर चुका है, वो पीटी निकाल चुका है, वो दौड़ निकाल चुका है और उसको तुगलकी फरमान थमा दिया जाता है कि नहीं, अब आपकी बहाली नहीं होगी, अब आपकी बहाली ठेका पर होगी। अब ये बताइए कि बच्चा 4 साल में वो क्या करेगा? 21 साल में अगर उसकी ज्वाइनिंग होती है 25 साल के बाद वो क्या करेगा? वो
इसी को लेकर आज हम लोग विरोध मार्च निकाले हैं। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेता है तो कल हम लोग पूरा बिहार को बंद करेंगे। इसमें तो बदलाव भी कुछ किया गया है तो फिर उसके बावजूद भी देखिए बदलाव क्या किया गया है, एज लिमिट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? वो एज लिमिट एक दो साल बढ़ा देने से तो समाधान नहीं न है। अब देखिए वो चार साल की बहाली में उसी के सैलरी से उसी का पैसा काटकर उसको 10 लाख रुपया थमा दिया जाएगा, 5 लाख रुपया जो काम करेंगे नौजवान उनका और 5 लाख रुपया सरकार मिला के देगी। इस 10 लाख रुपया से आज के डेट में क्या होने वाला है? एक जमीन भी नहीं खरीदा सकता, लोग घर भी नहीं बना सकते हैं, बिजनेस भी नहीं कर सकता, वो नौजवान क्या करेगा? अब क्या नहीं लगता कि इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है? नहीं नहीं राजनीति नहीं, ये सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर ये देख सकते देश की सुरक्षा का मामला है, पहले जवान सेना में इसलिए भर्ती होते थे अगर हम शहीद भी हो जाएंगे तो हमको सरकार पेंशन देगी, हमारे परिवार को पैसा देगी, भरण पोषण करेगी, लेकिन वो सारा चीज खत्म है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक एक सवाल का जवाब दीजिए, पहले भी सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन था, वो जीडी में लागू हो रहा है तो क्या दिक्कत है? पहले कितना था? 15 साल था ना, अब 15 साल के बाद 4 साल कर दिया गया, ये तो सबसे कम है ना। पहले तो 25 साल 4 साल 40 साल तक में रिटायर होते थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन 15 साल के लिए था, 15 साल तो एक सम्मानजनक ना है, लेकिन 4 साल के बाद क्या करेगा? बिहार विश्वविद्यालय परिषद में छात्र राजद के सदस्यों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला जलाया। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में आज छात्र राजद ने बिहार विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंका। इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। छात्र राजद के अध्यक्ष हैदर निजामी ने बताया कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, उसी के तहत आज प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया है। जो भी लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वह छात्र नहीं हैं, वह सरकार के ही आदमी हैं जिन्होंने सरकार के कहने पर ट्रेनें जलाई और उग्र प्रदर्शन किया है। छात्र अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार इस स्कीम को वापस ले और पुरानी कंडीशन पर ही सेना में बहाली ली जाए। राजद की ओर से विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी का पुतला दहन किया गया है, जो नया योजना दिल्ली का आया है सेना के लिए अग्निपथ जो अग्निवीर उसी के हम यहाँ पर पुतला दहन करके और छात्रों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। छात्र राजन पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, पूरी बिहार में जो है वो हर जगह पुतला दहन हो रहा है, हम आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग आंदोलन जारी है। किसका किसका पुतला दहन किया गया है? जो है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गया। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि जो सेना में जो पुराना जो था ये वो चीज को लागू किया जाए, ये चीज गलत है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि गलत है। इस चीज को जो छात्र हैं वो काफी मतलब उग्र होके काफी जगहों पर आगजनी वगैरह कर रहे हैं, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, हम लोग जो मांग है संविधान जो हम लोग को अधिकार दिया उसके अनुसार हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर जहां आगजनी जहां पर हो रहा है ट्रेन जलाया जा रहा है ये छात्र नहीं, ये जो है आपको सरकार के द्वारा ही आदमी को भेज को आग लगाया जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवा राजद के सदस्यों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तीसरा दिन जहां एक तरफ अभ्यर्थियों ने हंगामा किया तो वहीं दूसरी तरफ युवा राजद ने विरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंका। युवा राजद ने जिला कार्यालय से मार्च निकालकर सरायगंज टावर पर सेना के सम्मान में और अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग सेना का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके सम्मान में आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा और अग्निपथ स्कीम का विरोध करना पड़ा। तमाम जो युवा राजद की टीम है, हम लोग भारतीय सेना के सम्मान में पूरा हम लोग उनके साथ हम लोग हैं। जो लड़का लोग जो आप देखते होंगे गाँव घर में सवेरे उठकर सेना की तैयारी करते हैं, सेना जॉब नहीं वो भावना है, सेना का सेवा करना कोई नौकरी नहीं है, वो देश सेवा से जुड़ा हुआ भावना है। अगर उनके भावना के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो तमाम हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही आदरणीय तेजस्वी यादव जी के वाहन पर पूरा हम लोग बिहार में उतरने का काम करेंगे अगर ये योजना बंद नहीं किया जाएगा। तो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उग्र आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग यहाँ तक किए हैं तमाम युवा साथी के साथ और आगे भी सभी लोग जितने भी युवा साथी हैं हम जानते हैं कि आपकी भावना को ठेस पहुँचा है। वहीं युवा नेता विकास गुप्ता ने बताया कि सेना देश सेवा है, कोई नौकरी नहीं, लेकिन सरकार इसे नौकरी बना रही है।
अग्निपथ स्कीम लाकर युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, देश के भविष्य के साथ भी। आप लोग को पता होगा कि देश में प्रत्येक साल 60,000 सैनिक रिटायर्ड होते हैं और 1,00,000 सैनिकों की बहाली होती है, लेकिन इस केंद्र की सरकार ने एक अग्निपथ योजना नया लाया और जिसके तहत अग्निवीरों की बहाली का नाम दिया गया और वो बहाली मात्र 4 साल के लिए किया जा रहा है और उसमें भी ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, 10 सप्ताह से लेके 6 महीने तक का ट्रेनिंग पीरियड है। एक बात बताइए, एक जो सैनिक 10 सप्ताह से लेके 6 महीना में ट्रेन होके क्या देश की सेवा कर पाएगा, क्या सीमा पर लड़ाई लड़ेगा, वो कैसे लड़ाई लड़ेगा जब उसको ये पता होगा कि 3.5 साल बाद हमको दूसरा काम करना है। तो उसकी योजना बनाने में वो लगा रहेगा कि देश सेवा में लगा रहेगा। कोई युवाओं को और वो सैनिक जो वहाँ देश की सेवा के लिए रहेगा, न उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, न सैनिकों की कोई सुविधा मिलेगी, किसी तरह का कोई पेंशन नहीं होगा और उनके भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जटिल समस्या तो ये है कि जो 10,00,000 युवाओं ने परीक्षण करके अपना जो मेडिकल निकाल लिया था, मेस निकाल लिया था, रिटर्न के एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं 2019 से और आज 2022 हो रहा है, 3 साल में कोरोना के नाम पे उनकी बहाली नहीं की गई और वो लोग अपना जो 6 साल 7 साल 3 साल पहले तैयारी में और 3 साल ये एग्जाम दे के इंतजार में 6 साल 7 साल अपना बर्बाद कर दिए। अब उनको कहा जा रहा है कि आप फिर से मेडिकल देने के बाद 4 साल की नौकरी रहेगी, तो क्या ये जायज़ है? इस नाजायज मांग का हम लोग, जो नाजायज कार्रवाई है सरकार की, इसका हम लोग भी विरोध करते हैं और तमाम जितने भी छात्र युवा जो आंदोलन कर रहे हैं सबका हम आह्वान करते हैं कि आप लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना छोड़ के इस सरकार को घेरने का काम कीजिए। जहां जहां बीजेपी का जो जो कार्यालय है उसको घेरिए, जो जो बीजेपी का विधायक है सांसद है उसके घरों को घेरिए और उन पर दबाव बना के अपना काम करने पाइए। मोतीझील रमा मार्केट में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने आज मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश में एक साथ 500 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मोबाइल व्यापारियों अपने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी मोतीझील स्थित रमा मार्केट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मोबाइल व्यापारियों ने रक्तदान किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद ने बताया कि हम लोगों के संगठन के मेंबर में रहे भावेश सोलंकी जी अपने जीवन काल में समाज के भलाई के लिए हर संभव काम किया। 17 जून 2021 को उनके निवास स्थान पुणे में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उन्हीं की याद में हम लोग आज रक्तदान शिविर लगाए हैं। हम लोगों का पूरे देश में टारगेट है कि 20,000 से 30,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया जाए। हम लोगों ने यह वचन लिया है कि हर वर्ष भावेश सोलंकी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे भारत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रक्तदान करेंगे। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 व्यक्ति की जान बचाई जाती है। आज हम लोगों के मोबाइल व्यापारी पूरे भारत में 500 से अधिक सेंटरों पर रक्तदान कर रहे हैं। भारत वर्ष में एमडा का ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सारे भारतवर्ष से लगभग 20,000 से 30,000 व्यक्ति अपने रक्त को दान करेंगे और समाज और लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करके रक्त दान करें। इंडिया मोबाइल एसोसिएशन के तरफ से पूरे हिंदुस्तान में 500 से भी अधिक जगहों पे हमारा रक्तदान शिविर चल रहा है, जिस आयोजन में हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। ये हमारा हर साल 17 जून को होता है, जो पहले साल 2021 में हुआ था, इसमें 10,000 यूनिट हमारा पूरे हिंदुस्तान से हुआ था। इस बार हम लोग का टारगेट 20,000 से 30,000 यूनिट का है। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर में हमारा रामा मार्केट बाज़ार में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हम सभी मुजफ्फरपुर के अपने जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि शाम 5 बजे तक ये रक्तदान शिविर चल रहा है। या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum.
हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली। सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में दो बार स्नान कराना, और कुछ गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं। बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियां लौट आई हैं, आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली चमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं, और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं,
और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सरी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं, हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें, इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्रधान डाकघर परिषद में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने ED के विरोध में धरना दिया। बिहार प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेसियों ने ED के विरोध में प्रधान डाकघर के समीप धरना दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ED की तरफ से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसे कांग्रेसी नेताओं में काफी आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता ED के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। वहीं अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी को भी नोटिस जारी की है। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि केंद्र सरकार गुजरात चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी को परेशान कर रही है। भाजपा सरकार को डर है कि वह गुजरात चुनाव हार जाएगी, इसलिए राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो भी उनका विरोध करते हैं उन्हें वह CBI और ED से जाना चाहती है। अगर यदि हमारे नेता से पूछताछ बंद नहीं करती है तो सभी कांग्रेसी कल सड़क जाम करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को ED सम्मन करके 3 दिन से प्रताड़ित कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी सम्मन करके 23 तारीख को बुलाया गया है, जो कि अभी वह गंगाराम हॉस्पिटल में कोविड से एडमिट हैं। यह जो विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, और जब से यह 8 साल से मोदी सरकार हुकूमत में आई है, एकमात्र विपक्ष का नेता राहुल गांधी है ये इनके गलत कारनामों को उजागर कर रही है। बहुत सारे मामला जो राहुल गांधी आंदोलन किए उनको वापस लेना पड़ा, और यह चीर कर हमारे नेता राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को एक साजिश पर बदनाम करने के लिए इन पर यह आरोप। जातीय जनगणना कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समता परिषद ने स्वागत करते हुए आभार यात्रा निकालने का फैसला लिया। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का महात्मा फूले समता परिषद ने स्वागत किया है। उनके इस फैसले का स्वागत करते हुए परिषद 18 जून को पूरे बिहार में आभार यात्रा निकालेगी।
उसी को लेकर आज महात्मा फूले समता परिषद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरपुर में भी नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत करते हुए हम लोग आभार यात्रा निकाल रहे हैं, जो 18 जून को कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर कलेक्ट्रेट स्थित भारत माता नमन स्थल तक पहुंचेगी, जहां परिषद के कार्यकर्ता केक काटकर और लड्डू बांटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करेंगे। रेखा गुप्ता ने बताया कि देश ने पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर आज भी हम लोग जाति की समीक्षा करते हैं, लेकिन उसका सही रिपोर्ट हम लोगों के पास नहीं है। अगर जातीय जनगणना होती है तो सही डाटा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास उपलब्ध होगा और पिछले तब तक के विकास के लिए काम होगा। हम लोगों की केंद्र सरकार से मांग है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराया जाए, जिससे जाति की जनसंख्या, उसकी आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक स्थिति का पता चलेगा, तभी जाकर हर तबके का विकास होगा और उसे उचित आरक्षण का लाभ। इस गणना को पूरे देश में कराए ताकि पूरे लोग, हर प्रकार के, हर तबके के लोगों को इसका लाभ मिले, पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिले, और जब तक केंद्र सरकार इस पर अपनी सहमति नहीं देती है तब तक परिषद का आंदोलन जारी रहेगा, पंचायत तक, गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कार्य परिषद करती रहेगी। जातीय गणना का क्या क्या लाभ है, जैसे आप बोल रही हैं कि इसमें बहुत सारा लाभ है, कुछ लाभ? जी, जातीय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उसने 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुई। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक बार हुई भी, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर, त्रुटिपूर्ण बताकर उसको जारी नहीं किया गया। तो जैसा कि आरक्षण, हम सभी जानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान है, जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। तो मैं मानती हूँ और परिषद मानती है कि उस समय जो गणना हुई थी, उसके बाद गणना हुई नहीं, तो डाटा जो है आज के समय में उपलब्ध नहीं है, ना ही राज्य के पास, ना केंद्र के पास, कि किस समाज की कितनी अधिक उन्नति हुई, कैसे उनका विकास किस स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कहां से कहां पहुंचा, ये डाटा देश के पास नहीं है। अगर ये डाटा उपलब्ध हो जाता है आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक स्तर पर, तो हमें पता चलेगा कि जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार, बिहार के मुखिया प्रयासरत है, केंद्र सरकार के द्वारा भी हमेशा से योजना चलाई जाती रही है, तो सही मायने में लाभ अभी तक कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है। और हमेशा से ये भी प्रयास होता रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या जब चुनाव हो की बात आती है तो टिकट बंटवारे में, हम इससे कतई मुकर नहीं सकते हैं कि उस समय भी जाति को देखा जाता है। आप मीडिया के साथी भी उस समय बड़े ही तत्परता से कि फलाने विधानसभा में इतनी जाति की, इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है, तो फिर जाति जनगणना होने से क्लियर डाटा देश के पास रहेगा और उसी आधार पर उनका बौद्धिक, नैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास करने में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सहयोग मिलेगा। जदयू जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनोज कुमार के जन्मदिन पर केक काटकर बधाई दी। जदयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में केक काटकर जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर मनोज कुमार किसान से पार्टी कार्यालय में केक कटवाया गया और उन्हें जदयू नेताओं ने बुके देकर सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान ने बताया कि पूरी जिंदगी में यह उनका पहला जन्मदिन है जो युवा केक काटकर सभी लोगों के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं रहता कि कब मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेरे जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया, जिससे मुझे काफ़ी खुशी है। जदयू परिवार के सभी नेता व कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस वक्त आ भरी जिंदगी में अपना समय निकालकर मेरा जन्मदिवस मनाया। फ़ोन करके बताए, हमको लगता है कि लाइफ में
50 साल की उम्र में पहला बार हम केक काट रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं होता है कि कब जन्मदिन है। हम लोग तो किसान आदमी, हमेशा खेत में रहने वाला, तो सुबह सुबह पार्टी के कुछ लोग मेरे घर पहुंच गए केक लेके, तब पता चला कि आज हमारा जन्मदिन है। कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है कि जब अपने लोग मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है, और सब लोग इस अवसर पर मिल रहे हैं, आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।